गुड आफ्टरनून। अभी जो अगली दवा है वो है हायोसाइमस। इसे मेनली मैंने बच्चों के हाव भाव और उनके फीचर्स पे फोकस किया है, और जब बच्चे एडल्ट होंगे तो वो क्या रिस्पॉन्स देंगे या क्या रिएक्शन देंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका भी है। एक हायोसाइमस बेलाडोना और स्ट्रामोनियम, एक ट्रायल्स हैं। हायोसाइमस उतना वायलेंट नहीं होता है जितना कि आपका स्ट्रामोनियम होता है। मटरिंग डिलीरियम डिलीरियम में क्या, सिनाइल डिमेंशिया, इसमें क्या, जो बूढ़े लोग रहते हैं, कभी आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो कमरे में बैठ करके खुद से बातें करने लगते हैं, या ऐसे बात करेंगे जैसे कोई सामने बैठा हुआ जबकि वहाँ कोई नहीं रहता। दे टॉक टू अननोन पीपल, इनविजिबल पीपल। एक रूब्रिक है प्ले विद स्टूल, ये बच्चों में भी देखा जा सकता है और बड़ों में भी देखा जा सकता है। मोशन कर देंगे और उसको हाथ से अपने खेलना शुरू कर देंगे, या उसी मोशन में वो घंटों तक बैठे रहते हैं। एक तरह का रिलीजियस मेलेंकोली भी रहता है इन लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को। सस्पिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं, हर किसी पे शक करेंगे। वो शुरुआत अपने घर से करते हैं, उनको लगेगा कि घर में या ऑफिस में जब दो लोग बात कर रहे हैं तो वो सोचेंगे यार वो तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, अपने भाई से, बहन से, बेटे से, हर किसी पे वो शक की नज़र से देखते हैं। एक कंडीशन ये आती है कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं कि कहीं इस खाने में जहर तो नहीं मिला दिया गया। वो छुएंगे नहीं, छोड़ देंगे कि मुझे मारने की साजिश हो रही है, मेरे भोजन में जहर मिला दिया जाएगा, इतना शक होता है। जेलसी भी इतनी ही मार्क्ड होती है, बहुत ज़्यादा जलन की भावना रहती है, इतनी ज़्यादा कि वो रेज के लेवल तक वो कुछ भी कर सकते हैं। देयर ऐसे तो स्ट्रामोनियम की तरह वायलेंट नहीं होते, लेकिन धक्का दे देंगे, गाली दे देंगे, रेज। डॉक्टर केंट ने केस एक्सप्लेन किया था जिसमें एक हायोसाइमस लड़का, एक एग्जांपल उन्होंने दिया था वो क्या कर सकता है। अपने कमरे की दीवार पर फालतू वाहियात फोटोज टांग लेगा और उसको बैठे बैठे देखता रहता है। वहाँ थोड़े लाइट्स जलाएगा, फिर थोड़ी दूर आकर के देखेगा, फिर उसके रो को सीक्वेंस को चेंज करेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, और फिर जब सोएगा तो रात को उसी के बारे में सपने देखेगा। ये बड़े लोग करते हैं, बड़े लोगों में ये चीज आ जाती है, चाइल्डिश बिहेवियर, स्टूपिड बिहेवियर। वो सोचेंगे कि चूहे या छोटे छोटे जो जानवर हैं वो उनको रूल कर रहे हैं, बच्चों की तरह अपने सारे खिलौने, अपने जो गैजेट्स हैं वो ज़मीन पे बिखार करके उसको देखेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ बड़े लोग करने लगते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो बच्चे क्लिनिक में आते हैं, बच्चों पे आते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टली बात करेंगे, मुस्कुरा के बात करेंगे, और जब बीमार रहते हैं उसमें भी हंस के ही बात करते हैं। तबीयत खराब है, बुखार है, फीवर है, लेकिन आप उनसे पूछेंगे तो स्माइल करके ऐसे करेंगे। चीयरफुल डांसिंग, लॉफिंग, और ऐसे बच्चों को चोट लगने का बहुत डर रहता है, फियर ऑफ बीइंग बिट्रॉयड, बीइंग इंजर्ड। वो डॉक्टर से मुस्कुराते हुए पूछेंगे, डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे? पहले ही पूछ लेंगे कहीं मुझको कुछ इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगने वाला। धीरे धीरे बात करते हैं। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं ऐसे बच्चे, जिनके अंदर, बच्चों के अंदर जब ल्यूड थॉट्स ज़्यादा आने लगे, बच्चों के अंदर मास्टरबेशन की हैबिट आ जाए, सेल्फ एब्यूज की हैबिट आ जाए, बार बार बच्चे अपने लिंग को, पेनिस को, या अपनी वेजाइना को छुएं, सहलाएं, गुदगुदाएं, इसमें हायोसाइमस सबसे पहले आती है। जैसे कुछ घरों में बच्चा है बड़ा हुआ, 4-5 साल का हुआ, फिर मदर फादर ने प्लान किया दूसरी बेबी का, अब उस बच्चे को उससे नफरत हो जाएगी। सामने कुछ नहीं करेगा, प्यार करेगा, खिलाएगा, लेकिन उसके मन में एक जेलसी है कि इसे प्यार मिल रहा है मुझे नहीं, तो मार देगा।
अकेले में पाएगा तो दो तीन थप्पड़ लगा देगा, थोड़ा ट्रबल करने लगेगा, जैसे सलमान खान और ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जब सलमान खान के साथ थी तो प्यार था, और जब छोड़ के गई तो सलमान खान बार बार उसके ऊपर अटैक करते थे। ये होता है जिससे वो प्यार करते हैं उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेज भी होने लगता है, वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं, इस कदर वो वायलेंट हो जाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे जो नेकेड रहना पसंद करते हैं, कपड़े नहीं पहनेंगे, कपड़े उतार के फेंक देंगे, दिन भर नंगे घूमेंगे, कितना भी कपड़ा पहना दो तो उतार के घूमना शुरू कर देंगे। क्यूरियस बच्चे, और भी कई सारी दवाएं हैं, क्यूरियस बच्चे जो हर चीज़ को जानने में इच्छा रखते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, सवाल बहुत पूछेंगे, ये क्यों है, वो क्यों है। और हमारी क्लिनिक में अक्सर पेशेंट आते हैं जो बच्चे जो चिढ़ाते हैं, कहते हैं चेहरा बनाते हैं, चिढ़ाते हैं डॉक्टर्स को ही, टिक्स अलग अलग चेहरे बनाते हैं चिढ़ाने के लिए, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये हाई एसामेस बच्चा है और ये सिंगल रूब्रिक रेमडी है। ये बच्चे आप देखेंगे हर चीज़ पर हंसेंगे बेवकूफ़ों की तरह, कोई भी चीज़ होगा वो हंसना शुरू कर देंगे। और रात के सोते समय बच्चे खूब रोते हैं लेकिन वो आँख बंद करके रोते हैं, उठते नहीं हैं। बच्चे रात को सोए रहेंगे, रो रहे हैं, माँ बाप जब देखेंगे तो दिखाई देगा कि बच्चा आँख बंद करके सोया हुआ है और उसमें वो रो रहा है। ये भी हाइसामस सिंगल रूब्रिक रेमडी है। हाइपर एक्टिव बच्चे जो सवाल बहुत पूछते हैं, ऐसे बच्चे जो हाइसामस बच्चे होते हैं एक जगह कहीं नहीं बैठते, वो इधर उधर घूमते रहेंगे क्लिनिक में ही, आपका लैपटॉप छुएंगे, आपका स्टेटोस्कोप छुएंगे, आपका स्टेपलर टच करेंगे, हर चीज़ उठा पुठा इधर उधर, चंट टाइप के मॉस्कस बिगड़ल बच्चा होता है, जिसको कहते हैं कि स्पॉइल्ड सन। जो हाई समझ बच्चा होता है वो साफ दिल का होता है, जो भी बोलेगा सच बोलेगा, लेकिन वो क्या है ना, एग्रेसिव बहुत होता है। जब उसको चिढ़ हो गई या नफरत हो गई, जेलसी की फीलिंग आ गई, तो वो अटैक करने लगता है, वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है अपने भाई बहन हर किसी पे। और वही अगर फीलिंग सब कुछ बना रहा तो उससे ज़्यादा वो केयर भी करता है, बेड पे ही रहना पसंद करता है। और जो हाई समस बच्चा या आदमी तो ये किसी पे भी भरोसा नहीं करते जल्दी, सस्पिशियस, किसी पे भी भरोसा नहीं करेंगे, ना अपने माँ बाप पे, ना अपने भाई बहन पे, किसी पे नहीं। इनको लगता है कि हर कोई इनको धोखा देगा। जो हाई समस होते हैं वो जांच वगैरह से बचते हैं, टेस्ट वगैरह जल्दी नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वो उसकी जानकारी को ज़्यादा लेना नहीं चाहते, उनको डर लगता है। स्ट्रामोनियम में वो लाइट चाहते हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी चाहते हैं, वो उनको आप अगर टेस्ट लिखेंगे तो तुरंत जाकर के टेस्ट कराएंगे, या फिर खुद बोलेंगे डॉक्टर साहब पहले मेरी आप जाँच करवा दीजिए। और जो हाई समस होते हैं जाँच लिखेंगे तो वो बहाना करेंगे, नहीं नहीं जाँच नहीं करवाना, आप दवा दे दीजिए हम ठीक हो जाएंगे। एक फीलिंग होती है हाई समस में कि उनको लगता है कि सब लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठा लिया है, मेरी भावनाओं का, मेरी फीलिंग्स का, और वो इस चीज़ को लेकर हमेशा सस्पिशियस रहते हैं। हाई स्पिरिटेड फाइटिंग मैन, स्पिरिट बहुत हाई रहता है लेकिन लड़ाकू होते हैं वो। रूम में एक सिम्टम है, रूम का जो बच्चा होता है वो ढेर सारा खाना बनवा लेगा, 10 आइटम बनवा लेगा, और बनवाने के बाद खाता कुछ भी नहीं, छोड़ देता है। लेकिन जब भी भोजन मांगेगा ये नहीं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तमाम चीज़ें बनवाएगा। और स्ट्रामोनियम में होता है फियर ऑफ इंजेक्शन। तो ये थी हाई एसएमएस, थैंक यू।